नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं NIP न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर के। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रायबरेली MLC एवं उद्यान मंत्री दिनेश सिंह ने की नई पहल। रायबरेली से लगातार तीसरी बार MLC एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उद्यान दिनेश प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद रायबरेली जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं को तलाशने हेतु रायबरेली उन्नाव के बॉर्डर पर बसे हुए 81 ग्राम पंचायतों वाले विकास खंड सरेनी पहुंचे। आपको बताते चले, सरेनी शहीदों की स्थली है, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर शहीद हुए शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात विकास खंड मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दिनेश सिंह ने मौजूद जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधानों को विकास की नई इबारत लिखने के लिए आगे आने की बात कहते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, रायबरेली जनपद के प्रत्येक गांव में आने वाले 5 वर्षों में विकास की नई किरण देखने को मिलेगी। इस अवसर पर सरेनी से ब्लॉक प्रमुख जयप्रकाश सिंह ने मंत्री जी को पेयजल की समस्याओं सहित कई समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी लालगंज विजय कुमार, तहसीलदार लालगंज ज्ञान प्रताप सिंह, वीडियो सरेनी अंजू रानी वर्मा, कोतवाली प्रभारी इंद्रपाल सिंह सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मौजूद अधिकारियों को मंत्री जी ने ईमानदारी व निष्ठा से काम करने हेतु आदेशित किया। इसके अलावा गहरौली ग्राम प्रधान कल्लू सिंह, ग्राम प्रधान सुशील सिंह, पुल्लू साहू, लालगंज पूर्व ब्लॉक प्रमुख जयशंकर सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष सरेनी, प्रधान रामू सिंह, कन्हैया गुप्ता, सरताज खान सहित सैकड़ों ग्राम प्रधान, BDC व पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद है। सरेनी रायबरेली से देव त्रिवेदी की रिपोर्ट। मैं हर वो काम करूंगा, हर वो तपस्या करूंगा, हर वो संघर्ष करूंगा, जिससे हमारी पार्टी का सम्मान बढ़ सके, हमारी सरकार का सम्मान बढ़ सके। मैं हर वो प्रयास करने का, हर वो काम करने का प्रयास करूंगा, उसी क्रम में आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं आज भाषण का विषय नहीं है, अब तो दायित्वों के निर्वहन का विषय है। मैं अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में आपके बीच में उपस्थित हूं और इसी भांति में आता रहूंगा। हर शुक्रवार मैंने तय किया है कि रायबरेली जनपद के किन्हीं न किन्हीं ब्लॉकों में जाकर के ब्लॉक में बैठ करके पंचायत प्रतिनिधियों की, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आम नागरिकों की सेवा करता रहूंगा। तो उसी क्रम में आज पहला शुक्रवार है, सरेनी के बीच में उपस्थित हूं। सरेनी वासियों के सम्मानित प्रधानों से उनकी ग्राम पंचायतों में जनहित के कोई ऐसे काम जो हम कर सकते हैं, हमारी सरकार कर सकती है, ऐसे सुझाव मैं आप सबसे आमंत्रित कर रहा हूं। जो आप सुझाव देंगे, मौखिक दे सकते हैं, लिखित दे सकते हैं, आज दे सकते हैं, कल दे सकते हैं, जो आपको उचित महसूस हो आप ऐसे प्रयास करेंगे। हमारे सभी पंचायत मंत्रियां उपस्थित हैं, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रधान कर यहां उपस्थित। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। माननीय बहुत वहां पर विभागी कौन सा विभाग है? फार्म हाउस है कृषि का, और वो सरेनी के बिल्कुल मध्य में है। रामपुर से भी सेंटर है, भोजपुर से भी सेंटर है और सरेनी से भी सेंटर है। अगर नहीं मिलता है तो काफी जमीन वहां पर है और बिल्कुल छोटे छोटे सटा हुआ है। ऐसे आप ध्यान देंगे, उस नहीं मिलता है अगर हम नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, क्योंकि सरेनी में पेट्रोल पंप भी है और सरेनी में कोल्ड स्टोरेज भी है। सिर्फ सराय महरिया के ऐसे भोजपुर दौलतपुर मार्ग पे और रोड पर ऐसी चीजों की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से आप सब सहमत होंगे, तो सोने सुन मंदिर में जो कृषि फार्म है उस पर भी ध्यान देंगे। हम सबका ये सपना पूरा होगा, मंत्री जी का जो सोचा है वो भी पूरा होगा। मेरे हिसाब से बहुत कमरे हर से बाद इस तरह के अवसर हमारे आपके बीच में मिले हैं। हम लोग सामूहिक रूप से कोई ऐसा निर्णय ले जो पूरे सरेनी विकास खंड के काम किया है। हम लोग हैंडपंप, सोलर लाइट, सड़क नाली, फरंगा लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। इसके अंदर अगर आपको कुछ और अच्छी चीज लगती हो, भारत सरकार में
हमारी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार है, सरेली में कुछ अच्छा सोचे सब लोग सामूहिक रूप से, जिससे सार्वजनिक विकास हो सके, यहां का जनमानस नौजवानों के हित में कोई चीज हो सकती हो, बुजुर्गों के हित में कोई चीज हो सकती हो, किसानों के हित में कोई हो सकती हो, तो इस तरह के कुछ सुझाव अगर देते तो मेरे हिसाब से उचित होगा। फिलहाल मेरा तो अभी एक सुझाव है कि हमारा जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, मंडी आपके यहां लालगंज में है, सरेली में मंडी नहीं है, तो मंडी के लिए मैंने उम्मीद किया और इसलिए यहां बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भोजपुर और सरेली के बीच में अगर एक मंडी स्थल हमको मिल जाता तो हम 40-50 करोड़ हम मंडी विकसित कर लेते। 40-50 करोड़ खर्च करके अगर मंडी विकसित कर लेंगे तो जहां मंडी अगर अच्छा स्थान मिल जाएगा तो हम पेट्रोल पंप भी मंडी स्थल के बगल में दे सकते हैं, हम मंडी के पास कोल्ड स्टोर भी दे सकते हैं, हम मंडी के आसपास का धरन कांटा भी अच्छा से दे सकते हैं, तो उस जगह का एक अच्छा विकास हो सकता है। हमारे सम्मानित प्रधान का कभी कभार एक बार को आइडिया नहीं होता, लेकिन प्रधान ज्यादा गहराई में जानते हैं, अगर कहीं 15 एकड़ जमीन आसपास मिल जाए तो एक अच्छा हम लोग मंडी विकसित कर सकते हैं जो हमारे ही हाथ में है, किसी और को बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि पहला कदम उठाया जाए और जिलाधिकारी महोदय से मैं अपेक्षा करूंगा कि अपने लेखपालों की टीम से इस रोड पर जो सरेली से सरायगरिया पीड़ा वाली सड़क पर अगर इस पर होगी तभी हमारा पूरे सरेली का लाभ मिल पाएगा। तो अगर इसमें कहीं आपको जगह मिल जाती है तो हमारे लिए अच्छा होगा, यहाँ पर एक मंडी स्थल। ऐसी खबर से जुड़े रहने के आप देखते रहिए NIP News।